Hello everyone, welcome to another Fan to Play Fantasy match preview. We are doing this for the Women's Premier League final and we have Nikhil Bhai with us today to give you his insights on which of the two capitals, either the financial capital or the Indian capital, is going to win this game. Nikhil Bhai, what are your thoughts and which team is going to overpower the other? थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स टू एवरीवन ट्यूनिंग इन, आप लोग का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है, तो प्लीज़ कंटिन्यू करें देखना. आई होप आपको वीडियो से बेनिफिट मिलता है. और WPL पूरा सीज़न डिसेंट गया है, पर पूरा सीज़न वैसा ही गया है कि एक कॉम्बिनेशन ना हो तो आपको कुछ वापस नहीं आएगा. तो क्योंकि इतने ऑलराउंडर्स, आई थिंक सेम थिंग वापस फाइनल में होगी और कंडीशंस मेरे हिसाब से डिक्टेट करेंगे कौन सी टीम बेटर करती है. आई होप एक फ्रेश डेक हो ताकि जो दिल्ली का लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ है वो कॉस्ट ना करे और हम एक अच्छी गेम देखें. सुपर ओवर भी चलेगा मेरे को, पर ऑन पेपर ऐसा लगता है मुंबई ज़्यादा स्ट्रांग है. पर अगर स्विंग हो गई बॉल ब्रावन में शुरू में तो, और दिल्ली पहले बॉलिंग कर रही है, तो देन थिंग्स कुड गेट वेरी इंटरेस्टिंग. Yes, for now we are expecting a good batting track like we have seen at Brabourne all throughout, and based on that assumption we are going to start to make our base team for this game. So we are going to be making our base team on the Fan to Play app, where you can see that there's an amazing investment leaderboard which is live for you. If you want to take part, the app link is in the description and so is the iPhone 14 waiting for you. So let's get straight into the game and ignore the timing of this match. It's 7:30 p.m. itself. It's a technical glitch on my end. And we start straight with the keeping section. Here we have gone with Yastika Bhatia. Obviously, Tanya Bhatia is not getting too much of a chance to bat. And in the batting, we have gone with Meg Lanning and Harmanpreet Kaur. Nikhil Bhai, your thoughts on Shefali and whether we're going to see a Nat versus Shefali matchup yet again? Yeah, bilkul. Dekhiye, wo matchup 100% hoga. I think that matchup will be there. And it is also a good way to risk on Yastika as well. But see, we've discussed this in the past. Humne pehle baat kari hai ke agar Yastika ki pehle batting aati hai, to यूपी ने उनको काफ़ी बुरी बॉलिंग करी थी, बहुत वाइड डाला था, तो दे अलाउड हर टू गेट दोज बाउंड्रीज इन. द मोमेंट दे गॉट क्लोजर टू हर तो उनके विकेट मिली, तो दैट इज द कॉल दैट यू हैव टू टेक. क्योंकि देखो, तानिया भाटिया पिछले गेम में आई थिंक 3-4 स्टंपिंग करी थी, तो वो स्टंपिंग के पॉइंट्स ना यस्तिका के बैटिंग पॉइंट्स को कैचअप कर सकते हैं. मैं कर सकते हैं बोल रहा हूँ, करेंगे नहीं बोल रहा हूँ. तो दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक. क्योंकि देखो, ये पूरा जो गेम है ना, इसमें आपको 11 प्लेयर सेम मिलेंगे. मैं 11 प्लेयर सेम मिलेंगे बोल रहा हूँ आपको डायरेक्ट खाली. और मैं तो बोल रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन भी सेम होंगे सबके. तो यू हैव टू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, पर जरूरी नहीं है. अगर आप वो 11 से खुश हो तो उसी 11 को रहने दो, भले पूरा दुनिया भी वही कर रहा है. सो आपको ये कॉल लेना है क्योंकि शेफाली बहुत कम लोग लेके आएंगे. तो शेफाली को ले रहे हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका होना ही काफ़ी होगा. तो ऐसा हर प्लेयर पे सोचो. जमीमा कुड बी अ वेरी गुड ग्रैंड लीग पिक टू ट्राई, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं लाएंगे, पर आप कैसा विजुलाइज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेग लैनिंग और हरमनप्रीत कौर सभी के टीम में होने वाले. एंड द गेम इज इन मुंबई अगेंस्ट मुंबई, दैट इज जमीमाज होम ग्राउंड, सो रिमेंबर दैट. एंड मे बी द इमोशनल एस्पेक्ट कम्स आउट इन दैट स्पेसिफिक एस्पेक्ट, बिकॉज फॉर्म हैज बीन अप एंड डाउन फॉर हर. इन द ऑलराउंडर्स वी हैव गॉन विद एमिलिया कर, मैरिजान कैप, एलिस कैप्सी, नैट सेवर and Hayley Matthews, basically as many all-rounders as we could take in this section. Jess Jonathan, also likely to bowl four overs, also likely to bat. But the question is, which player are you going to leave to take Jess Jonathan? And hence, we have left that end open for now. Your possibilities on that end are maybe leaving someone like Amelia Kerr if she's bowling first because of the kind of role that she's being given. Or maybe someone like Marizanne Kapp if you expect less movement. But obviously, both the risks that I mentioned right now are really big risks. None of these risks are going to be small, leaving any of these five all-rounders. So it has to be a very measured risk. Otherwise, you just don't take it and move ahead with the five all-rounders. Nikhil Bhai, straight up answer, which is the one all-rounder that you would leave if you had to take just Jonathan? And which, in what situation? Dil pe patthar rakhe. Risk hai, risk. बहुत भयंकर, भयंकर से भी भयंकर रिस्क है. दिल्ली अगर पहले बैटिंग कर रही है तो दो क्वेश्चन है. क्या आपको लगता है मरीजान का ज़्यादा बैटिंग से पॉइंट देगी जेस जॉनसन से, क्योंकि वो ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, जेस जॉनसन नीचे? वो आंसर आपको आंसर करना है. दूसरा, क्या जेस जॉनसन बॉलिंग से एक विकेट भी ले सकती है?
अगर आपको लगता है कि मुंबई जीतेगी भी और दो तीन विकेट ही गिरेंगे तो क्या जेस जॉनसन वो विकेट लेगी या मारिस जन क्या विकेट लेगी? इन दोनों आंसर के बाद यू शुड नो के किसको पिक करना है। मैं आपको सिर्फ मारिस जन क्या के मैचअप बता देता हूँ, शायद आपको हेल्प करे। मारिस जन क्या वर्सेज हेली मैथ्यूज 24 बॉल्स 33 रन 3 विकेट्स। मारिस जन क्या वर्सेज इजी वॉर्म 3 बॉल्स 1 रन 1 विकेट। मारिस जन क्या वर्सेज अमीला केर 25 बॉल्स 24 रन 0 विकेट। एंड मारिस जन क्या वर्सेज नटाल्स की 20 बॉल्स 20 रन। तो ऐसा एक बॉलर अभी तक तो नहीं है जिसको उन्होंने डोमिनेट किया हो, बट शी इज गॉटन आउट अ लॉट टू हेली मैथ्यूज एंड इजी वॉर्म, वो एक बार आउट। तो सी ये गेम में आप मुंबई के ऑलराउंडर को तो ड्रॉप करने से रहे अनलेस आपको लगता है कि भाई मुझे एलिस कैप्सी को ड्रॉप करना है, तो वो आप कर सकते हो। एलिस कैप्सी स्ट्रगल्ड अगेंस्ट अमीला केर, 8 बॉल में 3 रन मार के 2 ओवर आउट हुई और पूजा वस्तकर को भी आउट हुआ, बट और किसी को आउट नहीं हुई। सो ये पूरा गेम आपके विजुअलाइजेशन पे ही रहेगा। तो जेस जॉनसन मारिस जन कैप में से एक कॉल लो या एलिस कैप्सी से भी आप कॉल ले सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम विथ यू नो दैट इज कि अगर ब्रैबन स्पिन होता है तो आप सोचोगे कि यार जेस जॉनसन एलिस कैप्सी आर बेटर ऑप्शन, पर अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा बैटिंग डेक है तो शायद आप एलिस कैप्सी पे रिस्क ले सकते हो। पर मैं ये कहूंगा इस गेम में दो टीम बनानी बहुत जरूरी है, जिसको पहले टीम में ड्रॉप करो उसको दूसरी टीम में वाइस कैप्टन कर दें सो दैट इट इज बैलेंस्ड, क्योंकि उसके अलावा आपकी बैलेंस टीम बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब लोग टीम लेकर ही आए। यस एंड दैट्स द ब्यूटी, जब टू ऑफ द टाइटंस ऑफ द टूर्नामेंट आर प्लेइंग द फाइनल यू हैव टू मेक सम टफ चॉइसेस व्हिच वी लव मेकिंग एंड इट आल्सो मींस इट ओपन्स अप द ग्रैंड लीग्स। In the bowling section, we have gone with Izzy Wong, Shikhar Pandey, and Saika Ishak. So, not complicating things there, gone with the people who have taken wickets and performed. While captain and vice captain, we have gone with Nat Siver and Mariz Ann Capp. In obviously the situation where we expect a little bit of movement up front and then good batting from both parties. बिल्कुल, और आपको कि इन दोनों का मैचअप भी बहुत बढ़िया है। Mariz Ann Capp ने 3 बार आउट कराया Nat Siver को, 26 balls, 21 runs. तो देखो जो WPL का जो पिछला मैच हुआ यूपी के साथ, स्कीवर वाज ड्रॉप्ड ऑन 6, यू कैन नॉट गिव अ लेडी लाइक स्कीवर अ चांस टू कम बैक इन द गेम। उसके बाद उन्होंने आई थिंक चांस ही नहीं दिया यूपी को कम बैक करने का। तो ये रिस्क आप रन करेंगे इस गेम में, बट इसके लिए इट्स अ ग्रेट गेम फॉर ग्रैंड लीग, क्योंकि आपको इतने नंबर्स बता दिए, वी हैव डिस्कस सो मच इन टर्म्स ऑफ मैचअप्स एंड एवरीथिंग, यू कैन लिटरली प्लान एंड गो अहेड एंड मेक मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। लीडर बोर्ड यूज करो, बेस्ट का बेस्ट टाइम है टू क्लाइम दैट लीडर बोर्ड एंड मल्टीपल विनर्स खेलो अलग अलग सिनेरियो में, दिल्ली विनिंग सिनेरियो, मुंबई विनिंग सिनेरियो, क्योंकि प्लेयर्स हैं इतने पास आपके पास टू ट्राई आउट। यस एब्सोल्युटली शुड बी वन क्रैकिंग गेम एंड बिकॉज़ इट्स वन क्रैकिंग गेम वी थॉट लेट्स डू अ गिव अवे फॉर दिस वन। निखिल भाई, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट वी शुड बी आस्किंग फॉर दिस गेम नाउ दैट वी हैव सो मेनी ऑलराउंडर्स एंड सो मेनी कॉन्टेम्प्लेशंस? I think the question can be about Jess Jonathan. Now that she's absent from our team, what will be Jess Jonathan's figures for this game? Any other question you have in your mind? Who could be the player of the match? I think that also works because final hai, bahut bade bade players hai. So you can either go with Jess Jonathan or player of the match, whoever you feel is a better. Well, let's ask both. Whoever gets the closest combination correct. शायद थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, बट ठीक है, आई थिंक योर कॉल। ठीक है, लेट्स गो द फिगर्स बिकॉज़ इट विल बी इजीियर टू डू द टाई ब्रेकर विद द रन्स इन केस द विकेट्स आर टाइड आउट। फिगर्स फॉर द मैच एंड लेट्स कीप द एग्जांपल नाउ दैट निखिल भाई हैज ड्रॉप्ड देम एज 0 for 28। सो व्हाट विल बी जस्ट जॉनसन्स फिगर्स एग्जांपल 0 for 28? यू कैन टेल अस इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर हर फिगर्स गोइंग टू बी, and we hope that we can give away the jersey because last time the jersey didn't go anywhere, so we hope that in this game that's going to go to you. Bilkul, aur sir ek do random grand league picks bolte jaye kyunki ye pura game hi waise bhi grand league ka hai, to do player jo aapko lagta hai gut feel ke shayad they could do really well. So Jemima Rodriguez to I already mentioned, so she is the first pick. Second pick, I don't know how many overs Radha will bowl because sometimes usko de rahe hain, sometimes nahi de rahe hain, but I think Radha Yadav. I think she is that kind of player jo aapko wicket bat se de ya ball se de usse farak nahi padega, wo aapko 28 runs backward point pe de sakte hain. It's that kind of dream team feature for her with backward point or long on long off. So
या दोस बिल्कुल आर द टू बिल्कुल, काफी वाइटल पॉइंट है कैचिंग, जब बैटिंग नहीं मिलती है या बॉलिंग नहीं मिलती है तो कैचिंग से भी अगर हो जाए काम तो एंड इन 15 प्रेस वी रन नो हाउ रनआउट्स एंड कैचेस हैपन सो एग्जैक्टली, तो वो तो है ही आपके पास टू ट्राई। आई थिंक मुझे लगता है पूजा वस्त्रकार कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन टू ट्राई, जितनी उनको बैटिंग मिली है शी इज लुक्ड वेरी वेरी गुड, और उन्होंने टाइम भी नहीं लिया है, आते ही शी स्टार्टेड यू नो प्लेइंग हर शॉट्स। आई थिंक पूजा वस्त्रकार अगेन देखो वो बॉलिंग नहीं कर रही है, तो जो ये जो ग्रैंड लीग पे के वो सिर्फ टीम में रखने के लिए, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करने नहीं बोल रहा, वो ऑलराउंडर्स में रखो वही सेफ है। तो आई थिंक पूजा वस्त्रकार इज वन ऑप्शन फ्रॉम हेयर। एंड फ्रॉम डेली वी टच्ड अपॉन जेमी, एंड आई जस्ट फील कैप्सी कैन हैव अनदर ग्रेट डे, शी इज अ पोटेंशियल दिस वाज स्टार। कैप्टन वाइस कैप्टन दिस चॉइस दिस हाँ वन दिस ऑफ वन बोले कैप्टन अगेन ऑलराउंडर हो गया तो डिफॉल्ट है कैप्टन वाइस कैप्टन तो वाइस बनाना ही है, तो आई थिंक अलीस कैप्सी कैन बी गुड कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है, तो एक कॉम्बिनेशन में ना अमेलिया केर और अलीस कैप्सी को ट्राई करना, ये अभी दिल से निकला है तो देखो क्या पता चल जाए। चलो लेट्स सी हाउ दैट पार्ट गोज वी होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस प्रीव्यू अगेन रिमाइंडिंग यू दिस इज द क्वेश्चन यू कैन आंसर विच एवर चैनल यू आर वॉचिंग ऑन द क्राइटेरियन टू बी द विनर ऑब्वियसली इज टू आंसर दिस करेक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टे सब्सक्राइब्ड एंड स्मैश द लाइक बटन लाइक ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड वील सी यू ऑल सून फॉर द नेक्स्ट वन There is no multiple comments also allowed, and no edited also. Thank you. Good luck.